हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लिसिट कॉमर्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक डिस्कशन होगा वो होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जो पोस्ट होता है उसके लिए जो इंटरव्यू होता है वहाँ पर 100 मार्क्स दिया जाता है ईच कैंडिडेट को। तो वो 100 मार्क्स किसके बेसिस पे दिया जाता है, कौन कौन क्वालिफिकेशंस के ऊपर क्या क्या मार्क्स है, तो ये सभी डिस्कशन होगा। तो देखते हैं जल्दी से। अगर आपका ग्रेजुएशन है 80% से अबव तो 15 स्कोर मिलेगा, 60% बट लेस देन 80% देन 13 एंड 55% टू लेस देन 60% आपको 10 स्कोर मिलेगा। उसके बाद पीजी में आता है 80% एंड अबव जाने से 28 मार्क्स मिलेगा, 60% टू लेस देन 80% रहने से 25 मार्क्स मिलेगा, 55% से लेकर 60% तक आपको 20 मार्क्स मिलेगा। एमफिल में अगर आपका 60% और उसका ज़्यादा है तो 7 मार्क्स मिलेगा, और 55 से 60% है तो 5 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद अगर आप पीएचडी होल्डर है तो 30 मार्क्स मिलेगा, नेट विद जेआरएफ है तो 7 और या तो सिर्फ नेट है तो 5। ये बहुत ही नाइंसाफी है कि नेट अचीव करना एक बहुत ही बड़ी बात होता है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे वेटेज नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नेट लेने से 5 और जेआरएफ लेने से 7। ओके, रिसर्च पब्लिकेशंस, अगर आपका पेपर पब्लिश्ड है किसी भी यूजीसी रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में तो आपको इच पेपर के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा 10। उसके बाद आपका टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है 2 मार्क्स पर ईच ईयर बट मैक्सिमम ऑफ 10। तो ये होगा यूनिवर्सिटी में अपॉइंट करने के लिए। However, if the period of teaching or postdoctoral experience is less than 1 year, then the marks shall be reduced proportionately. But उसके बाद जो आता है कि MPhil और PhD अगर आपका होगा तो आपका स्कोर होगा 37, लेकिन MPhil plus PhD लेकर आपका मैक्सिमम स्कोर होगा 30, JRF और NET और SET 7 होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाई द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटीज। एकेडमिक स्कोर टोटल 80 होगा, रिसर्च पब्लिकेशन 10 एंड टीचिंग, ये रहा आपका 100 मार्क्स। तो इसी तरह से कॉलेजेस में भी जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे सेम क्वालिफिकेशंस है, लेकिन मार्क्स का थोड़ा हेर फेर है क्योंकि पीएचडी का यहाँ पर 20 है और ये जो मार्क्स है 80% एंड अबव 20, 60% टू लेस देन 80, 19 एंड 55% टू लेस देन 60% इट इज 16। पीजी में जब जाओगे तो 80% से ज़्यादा अगर है तो 33, ये बहुत अच्छा है। 60% टू लेस देन 80% तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा, और उसके साथ 55% टू लेस देन 60% आपको 25 मिलेगा। पीएचडी में 20 मिलेगा, नेट विद जेआरएफ 10 और सिर्फ नेट तो 8, रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए 6 मैक्सिमम और वो भी 10, बस एक ही है तो और कुछ नहीं है, बस ये लाइब्रेरियन का है। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो से। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ रिकमेंड भी करना चाहता है तो ज़रूर कीजिए। आप लोग मिलते हैं अगली वीडियो के